चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है जहां दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार और हिमाचल सरकार को ये फटकार लगाई गई है। दिल्ली और हिमाचल सरकार से तमाम सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। दिल्ली सरकार से टैंकर माफियाओं को लेकर के कार्रवाई करने को लेकर के सवाल पूछा गया है। दिल्ली सरकार से ये पूछा गया है कि टैंकर माफियाओं पर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और पानी के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसी के साथ साथ हिमाचल सरकार से भी तमाम सवाल जो है वो किए गए हैं। हिमाचल सरकार से ये पूछा गया है कि जब आपके पास पानी था ही नहीं तो देने की बात क्यों कही। तो ये दोनों को लगातार फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जल संकट पर ये रिएक्शन आए हैं जहां पर दिल्ली सरकार से पूछा गया है कि टैंकर माफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वहीं पानी के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये दिल्ली सरकार से सवाल पूछा गया है, वहीं हिमाचल सरकार से पूछा है कि पानी नहीं तो फिर देने की बात क्यों कही है। तो ये तमाम सवाल जो है ये लगातार सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछे। जल संकट लगातार बना हुआ है और लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अंतिम डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को सख्त फटकार लगाई। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर से जल संकट को लेकर के दिल्ली सरकार और हिमाचल सरकार को फटकार लगाई गई है।